ओम शांति। आज की तारीख है 7/4/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक, हमारे दो बापू हैं। एक बापू हमारे राष्ट्रपिता, जिनको हमने पूज्य महात्मा गांधी कहा, और दूसरे बापू हैं निराकार बेहद के शिव पिता परमात्मा, जो पूरे विश्व के पिता हैं, पूरे विश्व के बापू हैं। तो बापू ने बापू की बात याद करते हुए कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें डबल अहिंसक बनना है, मनसा वाचा कर्मणा। तुम कभी किसी को दुख नहीं दे सकते। प्रश्न, कल्प कल्प जिन बच्चों ने बाप से पूरा वर्षा लिया है, उनकी निशानी क्या होगी, लक्षण क्या होंगे जो हम पहचान सकें? उत्तर है, वे पतितों का संग छोड़ बाप से वर्षा लेने के लिए श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे। बाप का जो पहला फरमान है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो, इस फरमान पर पूरा पूरा चलेंगे। उनकी आपस में कभी भी क्रिमिनल एसल्ट हो नहीं सकती। वे अपने को शिव बाबा के पोतरे और ब्रह्मा के बच्चे, भाई बहन समझकर चलते हैं। गीत बजा है, माता ओ माता, तू सबकी भाग्य विधाता। धारणा के लिए मुख्य दो धारणा बिंदु। नंबर एक, डबल अहिंसक बन मन वचन कर्म से किसी को भी दुख नहीं देना है। पवित्रता की सच्ची राखी बांधनी है। नंबर दो, पतितों का संग छोड़ एक बाप के फरमान पर ही चलना है। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए भूतों पर विजय प्राप्त करनी है। वरदान सतगुरु बाबा का, हर कर्म का बोझ बाप पर छोड़। कोई भी बोझ फील हो तो बाबा कहते बाप पर छोड़, स्वयं ट्रस्टी बन रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि हिम्मत रखने वाले बच्चों को बाप दादा सदा ही मदद करते हैं। बच्चे श्रेष्ठ संकल्प करते और बाप हाजिर हो जाते। सिर्फ बाप के ऊपर सारा कार्य छोड़ दो तो बाप जाने कार्य जाने। खुद अपने ऊपर जवाबदारियों का बोझ नहीं उठाओ। ट्रस्टी बनकर रहो तो सदा हल्के डबल लाइट फरिश्ता बन उड़ते रहेंगे। दिल साफ है तो मुराद हासिल हो जाती है। स्लोगन है, उमंग उत्साह के पंख साथ हो तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।